बीवी के बिजनेस ट्रिप पर। हर होटल में लड़कियों से मजा तो मैं ही लेता हूँ। तुम कहाँ हो? आ बेबी। सरप्राइज। अरे अरे तुम। अरे बेबी तुम तो आज ऑफिस में रुकने वाली थी, तुम्हारी मीटिंग थी। तुम्हें पता नहीं है मैंने आज उनको मीटिंग के लिए मना कर दिया और मैं आज पूरी रात रेस्ट करना चाहती हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आज बहुत रोमांस का मूड है। आज मैं तुम्हें सब प्यार करूंगी। I love you. बेबी, आज जो कुछ करेंगे यहाँ के बाथरूम में करेंगे क्योंकि यहाँ का बाथरूम बहुत अच्छा है। कोई इस तरह मुझसे पागलों की तरह प्यार करे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये जान। तुम मेरा बाथरूम में इंतजार करो, मैं एक मिनट में आता हूँ। बैठ गई। भगवान तुम रुको मैं टॉवल लेके आती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। हाँ बिल्कुल जल्दी आना, मैं भी जल्दी आऊंगा। आज तो बच गए। ये किसे लेके आए हो हमारे रूम में? क्योंकि मैं नहीं जानते कौन है। झूठ मत बोलो तुम। मुझे नहीं पता ये कौन है। ठीक है फिर पुलिस को फोन करते हैं। नहीं नहीं पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पता लगा लूंगी ये कौन है। हेलो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सुनो सुनो शायद ये गलत रूम में आ गई। तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। शांत हो जाओ तुम। कौन हो? मैं कहाँ हूँ? इसे शायद कुछ याद नहीं है। तुम एक काम करो बबी, तुम आराम करो, मैं इसे बाहर छोड़ के आता हूँ। रुको शायद इसको हमारी मदद की जरूरत है। क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? ठीक है तुम हमारे साथ रह सकती हो जब तक तुम नॉर्मल ना हो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? ये हमारे साथ कैसे रह सकती है? जब मैं होटल में गई तो वहाँ मुझे वेलकम ड्रिंक दिया, उसे पीने के बाद मेरी आंखों के सामने धुंधला धुंधला आने लगा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन मुझे लगता है ये नशे की हालत में हमारे कमरे में गलती से आ गई। ये एक नंबर की नशेड़ी लड़की। ये नशे में है, तुम इस पर गुस्सा मत करो, उसको बुरा लग रहा होगा। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। सुनो क्या तुम्हें अपना पता याद है? क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दूं? अच्छा आधी रात को तुम इसको घर भेजना चाहते हो? टैक्सी ड्राइवर ने नशे की हालत में कुछ करने की सोची तो? ठीक है तुम अपने सलाह अपने पास रखो। ठीक है तुम यहीं सो जाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे 5 मिनट में ऑफिस निकलना होगा। क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? मुझे माफ कर दो, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक बना के लाता हूँ जिसे पीने के बाद तुम्हें अच्छा फील होगा। थैंक्स मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। थैंक यू। आप ये ड्रिंक पी लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। हाँ आइए आइए आइए। हाँ ठीक है आइए 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 साहब। तुम थे ना वही आदमी, तुम एक साइको हो। सुनो तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ। तुम जैसी लड़कियां नशे में धुत होके अपना आपा खो देंगी,
मैं बस उस नशे की डोज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और उसी का मैं फायदा उठा देता हूँ। मैं ये बात सबको बताऊंगी। एक भी आदमी तुम्हारी इस बकवास पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन तुम मुझे पसंद हो। डार्लिंग, तुम्हें अपने कपड़े धुलवाने हैं क्या? अरे बेबी, तुम भी किस चक्कर में पड़ गई हो कपड़े धुलवाने के? आज वैसे भी हमारी इस होटल में आखिरी रात है, क्यों ना कुछ रोमांटिक करें? मैं आज एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, ऑफिस में आज रात मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस। तो आज रात अकेला ही एंजॉय करना पड़ेगा। मैडम मैडम, आप ये ड्रिंक पी लो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अपना बकवास बंद करो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा इस में तुमने मेडिसिन मिलाई है। कौन हो तुम? तुम जा सकती हो। कौन हो तुम? अब ये तुम ड्रिंक मेरे साथ पियोगे, ड्रिंक विद मी। अब ये बताओ इस ड्रिंक का टेस्ट कैसा है? अरे तुम जैसे नशेड़ी को बस इसमें थोड़ा सा ओवरडोज देना पड़ता है और मैं उसी का तो फायदा उठाता हूँ। क्या? हम्म, अरे ये तो मैं बोला करता था। तुम हो कौन? यहाँ इसे मैंने बुलाया। तुमने? तुमने बुलाया इसे? ये मेरा बचपन का दोस्त है। देखो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तुमको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हमारी पैंट की जेब में मैंने मेडिसिन देखी थी, उसका डिटेल मैंने पढ़ लिया। तुम मेडिसिन का यूज करके नशे का ओवरडोज बढ़ाते हो और लड़कियों का फायदा उठाते हो। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तुम ये क्या कह रही हो? ये सब सच नहीं है। बकवास बंद करो भानु, अब ये तुम्हारा है, तुम्हारा जो दिल करे इसके साथ करो। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे अभी तो सर में दर्द हुआ, और भी कुछ दर्द हो, चलो ना। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं छोड़ दो।